गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विजय शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आवर टुडेज टॉपिक इज हाउ टू राइट इफेक्टिव नोटिसेस। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और 12th और सम लोअर क्लासेस टू, यू मस्ट नो हाउ टू राइट इफेक्टिव नोटिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to introduce you about the notices, where you can see notices, where someone can put the notices. You must have seen notice board in your school, and notices are generally pinned up or pasted on the boards. Notices are, or a notice is a, an information, instruction or warning given in advance about something what is going to happen in the future. ऐसी चीज होती है नोटिस, या तो सूचना हो सकती है, या निर्देश हो सकता है, या किसी चीज की चेतावनी हो सकती है। और जो कब लिखी जाती है, फ्यूचर की इवेंट या फ्यूचर का प्रोग्राम होने वाला जो है उसके बारे में उसके पहले लिखी जाती है, उसकी सूचना देने की। एन इफेक्टिव नोटिस इज एन आर्ट एंड विच कैन बी मास्टर्ड बाय कंटिन्यूअस एफर्ट, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इट मीन्स अगर हमको एक इफेक्टिव नोटिस लिखना है तो हमको उसका प्रयास करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हर चीज़ की प्रैक्टिस करना पड़ती है। अब हम देखते हैं सम पॉइंट्स टू राइट एन इफेक्टिव नोटिस। फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस, they should be written on the top of the notice. Second point, date of issuing the notice. Notice को जब issue कर रहे हैं वह date हमको लिखना है। Third, the title of notice. Notice title के रूप में लिखना है हमको, they should be in capital. फोर्थ पॉइंट इज सूटेबल आई कैचिंग हेडिंग, ऐसा हेडिंग होना चाहिए या ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आई कैचिंग हो। आई कैचिंग मीन्स जो तुरंत समझ में आ जाए, जो तुरंत हमको कि किस चीज का प्रोग्राम है ये समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड आई कैचिंग। द कंटेंट स्टेटिंग पर्पस, ओकेजन, डिटेल शेड्यूल, कंटेंट या जो उसकी विषय वस्तु है वो हमें लिखना है, और उस विषय वस्तु या उस कंटेंट का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है वो हमें लिखना है, किस अवसर पर हो रही है, अगेजन लिखना है, साथ ही डिटेल्ड शेड्यूल। अब डिटेल शेड्यूल में क्या चीज़ें आएगी, तो डिटेल्ड शेड्यूल में आपका आएगा डेट आएगी, टाइम, वेन्यू यानी प्लेस उसका, एंड ड्यूरेशन कितने समय का वो प्रोग्राम है। देन सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स सामने वाले की पोस्ट कि वो क्या है, ही मे बी सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, ही मे बी सेक्रेटरी ऑफ सम गेम इन हीज आर हर स्कूल और एनी अदर पोस्ट। इशूइंग द नोटिस, अब ये डेट और पोस्ट जो आ रही है किसकी पोस्ट है, ये उस व्यक्ति की पोस्ट है जो इशू कर रहा है, जो लिख रहा है उस नोटिस को, ठीक है, जिसके द्वारा ये इशू किया गया है उसकी पोस्ट आएगी, उसका नाम आएगा, उसकी सिग्नेचर आएगी। अब हम एक बार देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। एट द टॉप, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस। देन You have to write title notice that should be written in capital letters. Here,
डेट यू विल राइट डेट, देन यू विल राइट हेडिंग और सब्जेक्ट, देट शुड बी आई कैचिंग। इट मीन्स तुरंत समझ में आने वाला कि ये जो नोटिस लिखा हुआ है किस चीज के ऊपर लिखा हुआ है। देन यू हैव टू राइट कंटेंट और मैसेज। कंटेंट मीन्स नोटिस किस बारे में लिखा जा रहा है, वो विषय वस्तु इसमें आएगी। इट शुड बी इन 30 to 60 वर्ड्स, देयर इज अ लिमिट ऑफ वर्ड्स। ये सब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 वर्ड्स में हमने लिख दिया तो नोटिस नहीं होगा, वो स्क्रिप्ट अलग हो जाएगी। तो आप इसको 30 to 60 वर्ड्स तक क्लोज करने की कोशिश करें। डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल, अब जो भी आपका कार्यक्रम है उसकी विषय वस्तु है उसकी डिटेल, प्रोग्राम की डिटेल सारी, कब होगा, उसका समय कब होगा, उसका टाइम कब होगा, ये देना है। देन डेट, देन टाइम, इट्स ऑल कम्स इन कंटेंट और मैसेज। देन सिग्नेचर, जो लिखने वाला है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और फिर उसकी लास्ट में आ जाएगी डेट। तो ये सारा जो था ये फॉर्मेट था नोटिस का। आई होप यू विल बी नाउ यू विल बी एबल टू राइट एन इफेक्टिव नोटिस। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल थ्रू रिटन मैसेज। यू कैन सी हियर हाउ टू राइट इफेक्टिव नोटिस। That's all. I will come soon taking next video. Till then, bye. Jai Shri Ram.